कि जो अडानी को राजस्थान के सरकार के द्वारा पारसा कांटा दो कोयला की खदानें दी गई मोदी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिन दो खदानों को रद्द नहीं किया गया, उन दो खदानों से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में ले जा रहा है। इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी संपूर्ण जांच कीजिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड था और मैंने आपसे कहा था कि अडानी जी घोटाला कई एपिसोड में आपके सामने आएगा। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं उसको जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ एक सरकार को धोखा नहीं दिया गया, सिर्फ 1,00,000 करोड़ की कोयला चोरी नहीं की गई अडानी के द्वारा, बल्कि गुजरात सरकार और गुजरात की जनता को भी किस तरीके से अडानी ने धोखा दिया है उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और यह जो जानकारी आपको साझा करने जा रहा हूं, यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के आधार पर जारी करने जा रहा हूं। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि जो अडानी को राजस्थान के सरकार के द्वारा पारसा कांटा दो कोयला की खदानें दी गई मोदी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिन दो खदानों को रद्द नहीं किया गया, उन दो खदानों से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में ले जा रहा है। इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी संपूर्ण जांच कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक देवांगन, उनकी यह चिट्ठी है जिस चिट्ठी में कहा गया है कि जो कोयला की खदानें अडानी को दी गई, वहां से कोयला निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और भारत सरकार के कानून के खिलाफ वहां से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में लेके जा रहा है। यह साफ तौर पर इस चिट्ठी में लिखा है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी पूरी तरीके से जांच कीजिए, नंबर एक। और नंबर दो, इसी में एक और गंभीर जानकारी दी गई है कि 4.42 रुपए में, यानी कि 4.42 रुपए में पर यूनिट 150 मेगावाट बिजली अडानी को, गुजरात को देना था, गुजरात के बिजली के लिए देना था। गुजरात के लाल अडानी को, गुजरात की जनता को बिजली देना था 4.42 रुपए यूनिट में। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि गुजरात सरकार के साथ किए गए समझौते का वायलेशन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को धता बताते हुए अडानी ने पावर एक्सचेंज में वो बिजली बेच दी, यानी कि महंगे दामों में वो बिजली बेच दी, यानी कि कोयला क्राइसिस के समय में, बिजली संकट के समय में जब गुजरात को बिजली की जरूरत थी, उस वक्त बिजली को अडानी ने पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर बेच दिया। और यह चिट्ठी किसकी है? यह है विवेक देवांगन, आईएएस ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी, पावर डिपार्टमेंट, भारत सरकार। यानी जो आरोप मैंने कल लगाया था कि 1,00,000 करोड़ रुपए का कोयला नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को मुफ्त में दे दिया, उसमें एक और गंभीर आरोप जुड़ गया आज
कि गुजरात सरकार के द्वारा जो 150 मेगावाट का अडानी के साथ पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, उसको उसका उल्लंघन करते हुए बिजली सप्लाई गुजरात को नहीं की गई, बल्कि वो बिजली सप्लाई पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पे अडानी ने बेच के मुनाफा कमाया। राजस्थान को धोखा दिया, गुजरात को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी, अगर आपके मंत्रालय के पावर मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी थी तो एक साल पहले चिट्ठी लिखी थी तो आपकी सीबीआई क्या कर रही थी, आपकी ईडी क्या कर रही थी, आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? अडानी की इन खदानों को बंद क्यों नहीं किया गया, अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये मुझे अपनी बात कहनी थी। आपको और कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, मैंने बताया तो आपको, इस चिट्ठी, ये चिट्ठी है 24 फरवरी 2022 की, एक साल पहले की चिट्ठी है। ये चिट्ठी है एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट की, ये चिट्ठी है विवेक कुमार देवांगन आईएएस अधिकारी की, ये चिट्ठी राजस्थान की सरकार को लिखी गई, कोयला मंत्रालय को लिखी गई, और इस चिट्ठी में लिखा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच कराइए। और दो ये गंभीर मामले आए हैं कि जो कोयले का रिजेक्ट बताकर अडानी अपने अपने पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान सरकार को दिए गए कोयला खदानों से, वो पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है, इसकी जांच कराइए। पारसा और कांटा दो कोयला खदानों का कोयला अडानी अपने बिजली पावर प्लांट में इस्तेमाल कर रहा है, नंबर एक, ये बात इसमें लिखी है। और दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि गुजरात सरकार के साथ बिजली सप्लाई का 150 मेगावाट का जो करार अडानी ने किया था उसका उल्लंघन करते हुए अडानी ने कोयला क्राइसिस के समय, बिजली संकट के समय पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर वो बिजली बेची। ये दोनों मामले इसमें लिखे हुए हैं, कोयला मंत्रालय और राजस्थान सरकार के।